टुडेज टॉपिक इज जोसेफसन इफेक्ट। तो ये जो जोसेफसन इफेक्ट है ये भी सुपर कंडक्टिविटी के फेनोमिना पे डिपेंड एक इफेक्ट है। सो दिस इफेक्ट इज डिस्कवर्ड इन 1962 बाय बीडी जोसेफसन। तो इन्होंने क्या दिया इसके लिए, इनको 1955 में नोबल प्राइज भी मिला। ठीक, तो उसने क्या देखा, जब कोई दो सुपरकंडक्टर मटेरियल है, ठीक सब्सटेंस है, अगर उन्हें उनके बीच में कोई इंसुलेटर थिन लेयर पुट ऑन कर देते हैं, ठीक, तो क्या होता है, ये S1 सुपरकंडक्टर, दिस इज S2 सुपरकंडक्टर, तो इसमें एक सुपर करंट फ्लो होने लगता है ना, इफ दिस लेयर इज वेरी थिन इंसुलेटिंग लेयर। तो इन सुपर कंडक्टरों में क्या होता है, एक सुपर करंट फ्लो होने लगता है विदाउट वोल्टेज डेवलप किए, मतलब इसमें विदाउट वोल्टेज डेवलप किए हुए के बिना इसमें सुपर करंट फ्लो होने लग जाता है। और ये क्या होता है, जैसे हम इसमें एक जंक्शन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, तो इस जंक्शन फॉर्म अगर इन ये जो लेयर है थोड़ी मोटी है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। इफ ये जो जंक्शन है ना, थिन इंसुलेटर जंक्शन है, जो जंक्शन फॉर्म अगर वो नैनोमीटर की रेंज का होता है, 1 नैनोमीटर की रेंज का होता है, तो उसमें एक सुपर करंट फ्लो होने लग जाता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं जोसेफसन इफेक्ट। और ये जो इंसुलेटिंग लेयर्स फॉर्म है ये वीक लिंक होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, वीक लिंक के होते हैं बिटवीन दिस सुपर कंडक्टर, है ना। तो इस वीक लिंक को बोलते हैं जोसेफसन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, जोसेफसन जंक्शन बोलते हैं इनको, ठीक। तो देखो एग्जांपल देखो एक कैसे थ्रू, ये कोई सर्किट है, दिस इज एनी सुपर कंडक्ट सब्सटेंस, है ना, दिस इज बैटरी, दिस इज अमीटर एंड दिस इज वोल्ट मीटर। देखो जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो जितने सारे के सारे करंट इस सुपर कंडक्टर मटेरियल से होकर जाते हैं, इस वोल्टेज में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आता है, वोल्टेज हमको क्या मिलता है, जीरो का जीरो होता है, बिकॉज क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, जीरो होता है। तो रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण करंट क्या होती है, पूरी इस सुपर कंडक्टर से, पूरी की पूरी करंट इस सुपर कंडक्टर से फ्लो होने लगती है, ठीक। एक भी करंट क्या होती है, इस वोल्टेज तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, ये वैल्यू होती है, वो क्या होती है, जीरो होती है। इट मीन्स वी इज इक्वल टू आई आर इस फॉर्म से, ठीक। अब बात करते हैं हम सेम केस वोल्टेज, है ना, ये सुपर कंडक्टर मटेरियल को, दे सुपर कंडक्टर मटेरियल है, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दो दिस इस टाइप से, ठीक। तो दिस इज अमीटर। तो अब जब इसमें करंट फ्लो होने लगता है तो पूरे के पूरे करंट वोल्टेज वो कहाँ आते हैं, इसमें फ्लक्चुएट होने लगते हैं, मतलब जितने भी करंट होता है पूरा वोल्टेज यहाँ पे हमको बताता है कि इतने वोल्टेज का जो है 5 एम्पीयर की करंट जो भी है, 5 वोल्ट की करंट बह रही है, इसमें ऐसे होकर कुछ मिनट तक, बिकॉज ये जो एक इंसुलेटिंग लेयर होता है, ये क्या होता है, एक इंसुलेटिंग लेयर है, जिस इसकी जो थिकनेस है हम कंसिडर करते हैं कि कुछ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है। इस केस में ये जो इंसुलेटिंग लेयर है वो क्या है, एक एयर है, ठीक। इफ केस अगर इस इनके बीच की जो थिकनेस है, गैप है, उसको कम करें, इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर के इक्वल करते हैं, तो क्या होता है, ये इंसुलेटिंग लेयर में से सुपर करंट फ्लो होने लग जाता है, सुपर करंट फ्लो होने लग जाता है, दैट मीन्स इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आता है, इस वोल्टेज में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आता है, पूरा करंट क्या होता है, इन सुपर कंडक्टरों में से फ्लो होने लग जाता है। तो यही जो इफेक्ट है वो कहलाता है जोसेफसन इफेक्ट। तो जोसेफसन इफेक्ट है वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है डिस जोसेफसन इफेक्ट, एक होता है एसी जोसेफसन इफेक्ट। तो बात करते हैं डीसी जोसेफसन इफेक्ट की, डीसी
जो सब्सन इफेक्ट। देखो इस इफेक्ट में क्या होता है, दिस इज एन ए सुपर कंडक्टर, इसमें कोई थिन लेयर जंक्शन है और वीक लिंक, दिस इज एन ए वीक लिंक इन द फॉर्म ऑफ नैनो वन नैनोमीटर, थिन इंसुलेटिंग लेयर लाइक दिस फिगर, ओके लाइक दिस, ओके दिस इज सुपर कंडक्टर वन, दिस इज सुपर कंडक्टर टू। अब व्हेन डीसी करंट फ्लो इन दिस जंक्शन विदाउट एनी अप्लाइंग और अ डेवलप्ड वोल्टेज, अब जैसे ही इस सर्किट में क्या होता है सुपर करंट फ्लो होने लगता है कब, जब हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं ना, कोई भी हम उसमें वोल्टेज डेवलप नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है डीसी करंट इसमें फ्लो होने लगता है या सुपर करंट इसमें जो फ्लो होता है। तो इस केस में इस इफेक्ट को बोलते हैं डीसी जोसेफसन इफेक्ट। हम इसमें कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं कर रहे हैं बट लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसके इंटरनल प्रॉपर्टी कारण क्या हो रहा है, इसमें डीसी करंट फ्लो हो रहा है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं जोसेफसन इफेक्ट। तो इस इफेक्ट में जो करंट जो मिलती है उसको डिफाइन करते हैं आई एस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम और आई सी लिख देते हैं इसको साइन अल्फा। ये जो आई एस है वो सुपर कंडक्टिंग करंट है और ये जो आई मैक्सिमम है एक पर्टिकुलर करंट तक ही, एक क्रिटिकल करंट है, इस पर्टिकुलर करंट तक ही इसमें करंट ही फ्लो होगा। और ये जो अल्फा है वो क्या है, फेज डिफरेंस है। ये S1 और S2 जो सुपर कंडक्टर है इसमें इनके दोनों क्या होंगे, वेव्स अलग होंगे, इनके जो पार्टिकल होंगे उनका फेज डिफरेंस भी क्या होगा, फेस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये अल्फा जो है इनके फेज डिफरेंस को बताते हैं, लाइक अल्फा इज अ 51 माइनस 52, दिस इज फेज डिफरेंस उनको बताता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड एसी जो सबसे इफेक्ट। ठीक, दिस इज एनी सर्किट है ना, दिस इज थिन लेयर, ओके दिस इज सुपर कंडक्टर, दिस इज थिन लेयर, उसमें बैटरी अटैच है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। अब जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं वोल्टेज जब इसमें अप्लाइड करते हैं, इस सर्किट में क्या करते हैं हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या होता है इसमें करंट फ्लो होने लगता है। इसमें जो करंट फ्लो होता है वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट ऑसिलेशन इंड्यूस हो जाता है और प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस सर्किट में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एसी जोसेफसन इफेक्ट। ओके, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एसी जोसेफसन इफेक्ट, है ना। बट क्या होता है, देखो ये जो इनके जो फेज है S1 और S2 के जो फेज हैं वो क्या होते हैं कंटिन्यूसली इस केस में चेंज होते रहते हैं। ठीक, दैट मीन जो वोल्टेज अप्लाई की है वो क्या होगा, फेज डिफरेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है। दिस V इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन टू ई वी अपॉन एच कट। सो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू इतना, तो इसको लिखो डी फाइव इज इक्वल टू टू ई वी अपॉन एच कट डॉट डी टी। अब इंटीग्रेटेड बोथ साइड देन व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन डी फाई है ना एंड इंटीग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन एच कट डॉट डी टी। तो हियर गेट फाई टू इलेक्ट्रॉन वी एच कट वोल्ट डॉट टी प्लस सी है ना, है ना। एंड दिस फाई है ना, दिस फाई विल बी चेंज रिस्पेक्टिवली टाइम, वेव फंक्शन ऑफ फाई इज फाई जीरो एट एनी टाइम, कंसिडर करते हैं किसी टाइम टी को जीरो, व्हेन टाइम जब जीरो है तो उसके से मानते हैं जो फेज डिफरेंस वो कितना है फाई नॉट है, कितना है
फाइव नॉट है, ठीक। तो इस केस में इसको पुट ऑन कर दो, दिस इज कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इसको यहाँ पे पुट ऑन करो तो क्या होगा, फाइव नॉट टाइम टी इक्वल टू जीरो प्लस सी, दैट मीन फाइव नॉट इज इक्वल टू सी। तो पुट ऑन पुट सी इन दिस इक्वेशन, सो व्हाट वी गेट, फाइव इज इक्वल टू टू ई वी एच कट टी प्लस फाइव जीरो, ठीक, फाइव जीरो इतना। एंड वी नो दैट एक सुपर कंडक्टर जोसेफसन इफेक्ट में जो करंट फ्लो होता है वो कितना होता है, आई एस इज इक्वल टू आई सी और आई मैक्सिमम इनटू साइन फाई। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ से पुट ऑन करो तो अपने को मिलेगा आई मैक्सिमम साइन टू ई वी ऑफ टी अपॉन एच कट प्लस फाई जीरो। कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, ओके दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखो इस इक्वेशंस को क्या करो, जो एसी करंट का जो जनरल फॉर्म होता है, जब किसी सर्किट में एसी करंट अगर फ्लो होता है तो उसका जनरल फॉर्म इक्वेशंस क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इतना होता है। तो इससे इसका कंपेयर करो, सुपर कंडक्टर आई एस इज इक्वल टू आई, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई जीरो, साइन इज इक्वल टू साइन ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, देखो कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच कट, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच कट, इतनी होगी। तो दिस इज अ कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू टू ई वी अपॉन एच कट, इतना, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर दैट एंड दैट। सो दिस फॉर्म, दिस इज अ जोसेफसन फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं क्या, जोसेफसन फ्रीक्वेंसी। तो ये था इसी फ्रीक्वेंसी का फॉर्म। अपने को फाइनल इक्वेशन मिला था आई एस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन टू इलेक्ट्रॉन वी अपॉन एच कट प्लस फाइव जीरो, ठीक। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं अपन, आई मैक्सिमम साइन टू वी टी, जो एच कट का होता है उसको लिखते हैं एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई भी इसको लिखते हैं। तो इसको अपन एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम साइन फोर पाई ई वी टी अपॉन एच प्लस फाइव जीरो, ओके। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर, दिस इज द फाइनल सुपर करेंट फॉर एसी जोसेफसन इफेक्ट।